मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। धनबाद जिले के पीडीएस की दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। पूरे जिले में संघन परीक्षण का काम तेजी से चल रहा है। झरिया के पीडीएस दुकानों में उपायुक्त संदीप सिंह ने उपभोक्ताओं को अनाज मिलने को लेकर भी जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में कमियों के होने पर दुकानदारों को गंभीर चेतावनी दी गई। सर बैठे हैं सर। ये पीडीएस शॉप्स का एक सरप्राइज इंस्पेक्शन आज पूरे जिले में सभी अलग अलग प्रखंडों में शहरी क्षेत्र में रखा गया है, जिसमें कि आपूर्ति विभाग के अलावा जो दूसरे विभागों के पदाधिकारी हैं, स्थानीय स्तर पर बीडीओ सीओज हैं, तो वो अपने ब्लॉक के अलावा किसी दूसरे ब्लॉक में उनके माध्यम से चेकिंग की जा रही है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, तो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ झरिया क्षेत्र में इस दुकान के इंस्पेक्शन के लिए आए थे। एंड देन फिर आज इस पूरी ड्राइव के बाद में सभी पदाधिकारी अपनी जो भी आज दिन की फाइंडिंग होंगी उसकी रिपोर्ट शाम तक देंगे। जो विसंगतियाँ या कमियाँ या शिकायतें क्षेत्र में आज के जांच में पाई जाएंगी, आवश्यक कार्रवाई उन डीलर्स के संबंध में, या कहीं पर अगर प्रशासनिक कोई एमओ के स्तर से एजीएम के स्तर से कमी कहीं नज़र आती है तो उस पर हम लोग करेंगे। तो एक करेक्टिव मेजर के तहत सरप्राइज रेड पूरे ज़िले में पीडीएस की जो दुकानें थी उन पर आज की गई है कि सरकार के जो निर्देश हैं उसके आलोक में समय से डिस्ट्रीब्यूशन, जो निर्धारित मात्रा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो लोगों को हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी कुछ रिपोर्टें वगैरह पाई गई सर यहाँ लगभग चीज़ें ठीक हैं, इनका जो स्टॉक फिजिकली उपलब्ध है दुकान में और डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑनलाइन डेटा उपलब्ध है उसके साथ में देखा गया है। कुछ लाभों का आसपास के जो यहाँ थे उनसे पूछा गया है कि जो निर्धारित मात्रा है उसके एवज में उनको एक्चुअली कितनी राशि मिलते हैं, कितना अनाज मिलता है, या दिसंबर तक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अतिरिक्त अनाज मिलता था तो कई क्षेत्रों से उनके बारे में शिकायतें आ रही थी कि वो लोगों को या तो कम मिल रहा है या उसमें अनियमितता है, तो वो जो लाभुक यहाँ पर आए उनके द्वारा कोई ऐसी शिकायत नहीं की गई है। बाकी जो कागजात वगैरह हैं वो चेक करके जो ऑनलाइन डेटा है और इनके दुकान की जो फिजिकल स्थिति है, अगर कहीं कोई और विसंगति पाई जाएगी तो तदनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक की जांच में सभी चीज़ें नियम के अनुरूप हैं। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।